नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन के बड़नगर रोड पर 3 दिन तक होने वाले कबीर सत्संग में पहुंचे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में रहने वाले भक्त और श्रद्धालु और आम नागरिक। करीब 15 वर्ष से ज्यादा समय से उज्जैन के बड़नगर रोड पर प्रतिवर्ष कबीर सत्संग होता है और यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आम नागरिक, भक्त, श्रद्धालु और आम नागरिक पहुँचते हैं, सत्संग सुनते हैं 3 दिन तक। यहाँ पर कहाँ कहाँ से भक्त अभी पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ से पहुँचेंगे यहाँ पर? ये इनका काम है, हनुमानगढ़ी में है और साहब का 3 दिन का प्रोग्राम है 23-24-25 को। और कोरोना के वजह से बहुत 2 साल के बाद में जो प्रवचन और गुरु जी से हमारा मिलना हो गया, बहुत भाग्य की बात है। कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे? नागपुर के हैं, बलसाड़ के हैं, चंद्रपुर के हैं, आस पास के सभी गांव के, इंदौर के, उज्जैन के, बड़नगर के, सभी है, सब सा है। वो मनुष्य के जीवन का एक अविभाज्य घटक है। सत्संग के बगैर मनुष्य की तरह जी नहीं सकता और सत्संग वो रास्ता है जो हमें हमारे निर्माता तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा जो शोधन हुआ है बाबू साहब ने किया है, जिन्हें सदगुरु भी कहा जाता है। वही ज्ञान 600 वर्षों के पश्चात सदगुरु दिवाकर साहब ने प्रकाशित हुआ है और इस मार्ग के द्वारा प्रयोग को अपना करके, कवि की भक्ति को अपना करके मनुष्य जीते जी अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो आम धारणा